इस टीवी में दो मॉस्फेट और एक डायोड लगा हुआ है पीएफसी सेक्शन में। ये सभी हमें निकालना होता है पहले। ये दोनों पॉइंट्स को सॉल्व करना है। इस तरह से हमने पीएफसी बाईपास कर दिया। हमने 8 पिन की पीएफसी ड्राइव आईसी निकाल ली, दो मॉस्फेट निकाल लिए और ये डायोड निकाल लिया। यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 पिन का डायोड है, एन चैनल के 2 मॉस्फेट्स हैं ड्राइव आईसी। तो ये 4 कंपोनेंट निकालने से हमारा जो पीएफसी है वो बाईपास हो गया है। यहाँ पर ये जो डायोड निकाला था उस जगह पे मैंने एक जम्पर लगा दिया है। कभी भी सीएफएल वाला टीवी हो या हाई बैकलाइट वाला टीवी होता है उसमें पीएफसी सर्किट के नहीं काम करने पर बैकलाइट चालू होके बंद हो जाती है। यहाँ पे बैकलाइट चालू रहने के लिए पीएफसी का ऑन होना ज़रूरी है। ये फिल्टर पे 390 नहीं आ रहे थे जिसके वजह से हमारी जो बैकलाइट है वो कॉन्स्टेंटली ऑन नहीं रहती थी, उसकी वजह थी ये सेक्शन में फॉल्ट। ठीक है, अभी हमने इसे रिमूव कर दिया टोटली और अब हमें लोड कम करना है। लोड कम हम कैसे कर सकते हैं? इसकी जो ओरिजिनल बैकलाइटिंग सिस्टम है यहाँ पर 2 सीएफएल के आउटपुट्स हैं। बैलेंस्ड से 1 सीएफएल की पूरी सीरीज चलती है, मतलब उसमें 8 सीएफएल्स लगे होंगे लेकिन ये 2 से बाकी की जो 8 सीएफएल से वो जल रहे हैं। अब इतना हाई लोड चलाने के लिए ये विदाउट पीएफसी वाला जो पावर सप्लाई है वो काम नहीं करेगा। यहाँ पर रेजोनेंट पावर सप्लाई तो वर्क करेगा लेकिन पीएफसी सर्किट के नहीं होने की वजह से हाई करंट आउटपुट नहीं दे पाएगा जिससे कि बैकलाइट ड्राइव हो पाए। तो इस केस में हम यहाँ पर इस बैकलाइट सिस्टम को चेंज करके एलईडी बैकलाइटिंग में कर देंगे चेंज, ताकि जो हमारे जो पावर सप्लाई के आउटपुट वोल्टेज हैं इसमें से मैं 20 वोल्ट जो है वहाँ से एक डायोड के थ्रू VCC वोल्टेज ड्राइवर जो हम यूज़ करेंगे उसको देंगे यहाँ से, और एक ग्राउंड लेंगे और बैकलाइट ऑन ऑफ हम यहाँ से ले लेंगे। और माइनस लगाना है वोल्टेज। कनेक्ट करना है ये तार, येलो तार, जो मदरबोर्ड से बैकलाइट ऑन ऑफ वोल्टेज आएगा वो यहाँ पर से बैकलाइट ड्राइवर में जाएगा। 20 वोल्ट दिया है और ग्राउंड दिया है। बैकलाइट प्लस वोल्टेज मैंने यहाँ दिया है और माइनस, ठीक है, और 20 वोल्ट मैंने यहाँ से लिए हैं पावर सप्लाई की, 20 वोल्ट ग्राउंड मैंने यहाँ से लिया है और बैकलाइट ऑन ऑफ यहाँ 3rd पिन है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कनेक्शन बैकलाइट ड्राइवर के। अभी हम चेक कर लेते हैं हमारी बैकलाइट चलती है। बैकलाइट हमारी जो ऑन होती है तो आप देख सकते हैं बैकलाइट चल गई है। ओके, ये
बाद में भी लग जाएगा। यहाँ पर 19.67 है और इस तरफ 20 वोल्ट है, और यहाँ आप देख सकते हैं बैकलाइट की जो वोल्टेज है वो 34 वोल्ट के करीब है, 34 वोल्ट। ओके, बहुत अच्छा।